प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चले है छात्रों को की जागीर नहीं। तो अपना अधिकार कम है तेरे दमन में कितना आंदोलन आज समर्थन देने आए, क्या करेंगे? 425 दिन हो गए जब मैं कहीं जाता लग रही आगे जानकारी करता हूं तो कुछ नई चीज़ों का पता लग जाता है। लखनऊ जाते हैं तो पता लगता है कि 100 दिन के करीब हो गए, 69 शिक्षक भर्ती में दलित पिछले वर्ष के बच्चे बैठे हैं। यहां आया तो पता लगा कि 425वां दिन है और यहां छात्र संघ के जो नौजवान हैं वो बैठे हुए हैं, छात्र संघ बहाल करने की मांग कर रहे हैं और उनकी जो कुछ और मांगे हैं प्रशासन से लेके फैकल्टी से लेके, तो वो अपनी मांग के लिए बैठे हैं। और मैं एक युवा हूँ, सबसे पहले मैं एक युवा हूँ, युवा देश का भविष्य होता है। और ये सरकारें क्यों डरती है छात्र संघ से? क्योंकि छात्र अपने जीवन में सीखता है और वो अंतिम समय तक छात्र रहता है, क्योंकि इंसान अपने जीवन में अंतिम समय तक सीखता है। छात्र इस देश की रीढ़ है। और ये जो तमाम भ्रष्टाचार, गुंडा राज, तमाम माफिया राज, तमाम तरफ की जो करप्शन की राजनीति, इसका अंत है छात्र संघ। क्योंकि जब छात्र जीवन में जो इंसान, जो युवा, जो छात्र विद्यार्थी अपने जीवन में सीखता है उसको ही वो अपने जीवन में आगे बढ़ाता है। तो ये जानबूझ के षड्यंत्र करके कि छात्र राजनीति से मेहनत करने वाला गरीब का बेटा निकल के आके जो है ना अपने समुदाय की, अपने प्रदेश की, अपने देश के विकास में भागीदारी निकल, जानबूझ के छात्र संघ को रोका गया है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ उनका आंदोलन तो जारी, मेरा पूरा समर्थन है, लेकिन अगर हमें अवसर मिला तो छात्र संघ बहाल ही नहीं किया जाएगा। छात्र संघ में सुविधाएं दी जाएंगी कि छात्र संघ को बजट दिया जाएगा कि वो अपने कॉलेज को और अपने छात्रों के लिए कुछ अच्छा कर पाए। और एक सभ्य समाज, एक सभ्य, आप समझिए कि सभ्य बुनियाद तैयार हो, एक स्वस्थ बुनियाद जो इस प्रदेश की और देश की रक्षा करें। क्योंकि इस छात्र, ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद की धरती, यहाँ से 7 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, ये इलाहाबाद की धरती है जहाँ यहाँ हॉस्टलों से तमाम IAS IPS निकले हैं जिन्होंने इस देश की, प्रदेश की उन्नति प्रगति में योगदान दिया है। तो इलाहाबाद को और छात्र संघ को नकारा नहीं जा सकता, मेरा पूरा समर्थन है। और जब ये चाहेंगे तो पूरे प्रदेश में भी, देशव्यापी आंदोलन में भी हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। सरकार भी मांग माननी पड़ेगी, छात्र संघ बहाल करना पड़ेगा और स्कूल भी खुलने चाहिए, कॉलेज भी खुलने चाहिए। अगर क्योंकि पढ़ेंगे तभी तो सवाल करेंगे। सरकार समझती है एजुकेशन की ताकत, वो पढ़ाई को ख़त्म कर देना चाहती है। ना आदमी पढ़ेगा ना सवाल करेगा। हम यहाँ गुलाम नहीं हैं, ये आज़ाद भारत है, हमें हमारे अधिकार पता है, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, प्रदेश सरकार के आज 4.5 वर्ष पूरे हो गए, मैंने तो कल ही एक उपलब्धि देखी थी। रात जब मैं जा रहा था, जहाँ मैं रुका हुआ था, तो वो सिविल लाइन एरिया है, पॉश एरिया है बिल्कुल, इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं। और ये स्मार्ट सिटी है, 2017 से डिक्लेयर्ड स्मार्ट सिटी, तो इनके वादों में और विकास में कितना फर्क है आप देख लीजिए। कथनी करनी में कितना फर्क है कि जब मुख्यमंत्री को मुलाकात भी आपके लोगों की हुई थी, तमाम चर्चाएं उसको लेके हो रही हैं, तो जिस तरीके से अब कोई नई रणनीति आप लोग प्रयागराज से बना के बिल्कुल बन रही है। प्रयागराज तो खुद संगम की धरती है और यहाँ से तो आपको है ना रणनीति बन चुकी है। ये वो धरती है जहाँ से मंडल कमीशन की बात उठी, ये VP सिंह की धरती है, तो उठ तो गई है कि आप दलित पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनकी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और उनकी जातिगत जनगणना के साथ साथ ये पता लगना चाहिए कि आज तक इस आज़ादी के बाद उनसे इस देश में मिला क्या है। नौजवानों की जनगणना में पता लगेगा नौजवानों को कितना रोजगार सरकार ने दिया है और कितना अपने चहितों को दिया है। तो बात तो हो चुकी है, बाकी बहुत जल्द उसके अनाउंसमेंट भी होंगे, वो सब आपके सामने। धन्यवाद।